हम आए हुए कैमूर जिले के चांद थाना के भलवारी गांव में, आज आपसे मिलाते हैं कैमूर के जिला परिषद अध्यक्ष हैं विश्वम्भर सिंह यादव उर्फ वकील यादव जी, जो जिला परिषद चांद पश्चिमी क्षेत्र से भाग दूसरे प्रत्याशी भी हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र 16 पड़ता है। मैं आपसे रूबर करा रहा हूँ कि उन्होंने 5 साल तक चेयरमैन में रहकर, चेयरमैन के पद पर रहकर समाज का, जनता का सेवा किए हैं, फिर चुनावी क्षेत्र में आ गए हैं। आज आपसे मिला रहे हैं, बताइए कि 5 साल आपने चुनाव क्षेत्र में समाज के कई रूप से सेवा किया, फिर चुनाव मैदान में आ गए हैं, अब मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी मतदाताओं को यही संदेश देना चाहता हूं, मैं 5 साल तक निर्भीक निष्पक्ष पूरे कैमूर जिले का मैंने परिभ्रमण किया और उनके साथ साथ जो भी जनहित की समस्या थी उस समस्या को मैंने जिला प्रशासन से लेकर बिहार सूबे के मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार जी, चाहे जिन जिन विभागों का मेरे पास आवेदन पड़ता था, मैं कैमूर ही नहीं, अगर बगल के स्टेट के भी लोग मेरे यहाँ आते थे मदद करने के लिए। मैं एक जनता का सेवक हूँ, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हूँ, जो भी उनके द्वारा मुझे कार्य करने के लिए जो भी आदेश चाहे, जो भी उनके द्वारा मुझे काम के लिए कहा गया, मैं उनकी आवाज़ों को जिला प्रशासन या बिहार सरकार के पटल पर रखने का काम किया। जनता ने आपको 5 साल मौका दिया, फिर दोबारा मैदान में आए हैं, तो फिर आपका लक्ष्य हो गया समाज के प्रति, देश के प्रति, क्या लक्ष्य आपका है जिला के प्रति? मेरा आज़ादी के 75 दशक हो गए, लेकिन फिर भी समस्याएं अनंत हैं। समस्याएं के लिए हम प्रतिनिधि हैं, उनकी समस्याओं के जो भी जहां तक यथाशक्ति यथाभक्ति जहां तक मेरे नज़रों में उनकी समस्या आता है, मैं उन समस्याओं को जिला प्रशासन से लेकर के, चाहे जो भी जिस विभाग के प्रधान सचिव हों, चाहे पंचायती राज का बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे जिन क्षेत्रों की समस्या हो, क्यों हर व्यक्ति को शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, रोजी रोटी कपड़ा मकान चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। क्योंकि हम इस देश के, ये भारत देश संत महापुरुषों ऋषि महर्षियों का देश रहा है, क्योंकि बाबा साहब के द्वारा जो भी इस देश को संविधान जो उनके द्वारा प्रदत्त किया गया, मैं उनके संविधान की रक्षा करते हुए, मैं उनके बताए हुए रास्ते पर मैं चलने का काम करता हूँ। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं कई प्रकार की चल रही है, जैसे गांव के मान सम्मान की बात होती है, महिलाओं की बात है, तो आज भी महिलाओं लोग सड़क पर जाती है, तो आज एक सवाल बन के रह गया जिले भर में, इस पर क्या कहना आपको? देखिए, भारत देश गांव का देश है, जहां तक महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, आज सरकार ने उनको भी 50% आरक्षण दे रखा है। आज हमारी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। जहां तक आपने सवाल उठाया कि बहुत सारी महिलाएं, चाहे हम स्वच्छता की बात करें, जो सरकार के द्वारा और हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा पूरे आम आवाम में एक मैसेज दिया गया कि आप हर घर में शौचालय बनाएं, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार उत्पन्न होते हैं, उसके लिए सरकार का भी बहुत सारा ध्यान केंद्रित किया गया। लेकिन अगर कुछ कमियां हैं,
तो वह एकमात्र माध्यम, अगर उसको दूर किया जाएगा, दूर किया जा सकता है, तो यह एकमात्र माध्यम है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा वह मास्टर कुंजी है जिससे हमारे हर क्षेत्रों में विकास के लिए उपयोगी होगा। क्योंकि अगर शिक्षा जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है, तो आज बहुत सारे जो बिहार सरकार के द्वारा, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत के द्वारा जो भी कार्य चलाया जाता है, शिक्षित हो जाएगा तो इस देश के जो भी संत महापुरुषों के जो विचार हैं और विचारों को जन जन तक फैलाने का काम करेगा। क्योंकि हम आज़ादी के 75 दशक में जा रहे हैं, अभी भी जो भी गांव में जो मूलभूत सुविधा है, आज भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। हम सारे त्रिस्तरीय पंचायत से लेकर मैं बिहार सरकार से भी मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो भी आप बहुजन परिवार में जन्मे हुए हैं, बहुजन के लोग कैमूर के जितने भी बहुजन परिवार आपको मुखिया मानती है, बहुजन परिवार के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि बहुजन समाज हम बहुजन समाज में तो जन्मे जरूर हैं, लेकिन हमारी जो नेता है आदरणीय सम्माननीय उत्तर प्रदेश की चार चार बार रह चुकी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कांशीराम साहब, वो हमेशा सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय के हमेशा बातें होती है और उसी विचारों पर हम लोग चलने का काम करते हैं। आज हमारे चैनल के लिए समय दिए हैं कैमूर के जाने माने हस्ती जिला परिषद के अध्यक्ष विश्वम्बर सिंह यादव उर्फ वकील जी, जो इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को काफ़ी दूर से चल कर के एक छोटे से गांव में, आप लोग ने जिस गांव में मेरा जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, जो भी आपके हमारे यूनिवर्सल न्यूज के और BRJB टीवी के जो भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भी हमारे पत्रकार बंधु आप आए हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूं। और साधुवाद के साथ साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे गांव में आकर के इस गांव की शोभा ही नहीं, जिस पद पर मैंने रहा उस पर भी आपने चार चांद लगाने का काम किया।